Hello friends, welcome to my channel Profit Learning. Today we are going to discuss about NPS, that is National Pension Scheme. In this video we will cover how the NPS is the best retirement planning, what are the tax benefits, how you can save extra tax up to rupees 2 lakhs, how can you grow your money with an equity and debt option of NPS, and what are the pension benefits. So let's start. First of all, we will discuss what is NPS. That is, NPS is basically a retirement scheme. एक retirement scheme है जो PFRDA regulate करता है, that is Pension Fund Regulatory Development Authority, जो PFRDA, जो Government of India है, वो regulate करता है. ये जो NPS है, वो Government of India ने all citizen के लिए open कर दिया है और कोई भी इसमें चाहे तो अपना invest कर सकता है. एक voluntary scheme है और ये EEE के category में अब आ गया है. और जैसे कि PPF, आपका EPF एक ट्रिपल ई कैटेगरी में है, मीन्स एग्जेम्प्ट के कैटेगरी में है. वो भी आपका जो NPS है वो भी ट्रिपल ई कैटेगरी में आ गया है, क्योंकि कोई भी विड्रॉल अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं लगता है, ओनली एन्यूटी चार्जेस पे लगता है, जो हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में. NPS स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2004 को, जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए किया गया था. आफ्टर दैट इन 2009 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ओपन कर दिया ऑल सिटीजन्स के लिए, जो भी जिनकी उम्र 18 साल से लेके 60 साल के बीच में होगी वो इसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं. जो आफ्टर दैट उसका जो एज था वो थोड़ा रिवाइज किया गया, थोड़ा विंडो ओपन करके 65 ईयर्स किया गया, जो नवंबर 2017 को रिवाइज हुआ था. जो आप 65 ईयर्स तक आप मैक्सिमम इसमें एंट्री ले सकते हैं, जो इसका इन्वेस्टमेंट आप 70 ईयर्स तक मैक्सिमम कर सकते हैं. Now we will discuss NPS objective and its working. Objective of NPS क्या है? ये maximum लोगों को encourage किया जाए अपने retirement planning के लिए, और आपका retirement corpus ज़्यादा हो, इसलिए government of India ने इसमें equity options भी रखा है, जिसमें आप equity options को opt करके अपने जो traditional plans है, जिसमें से सिर्फ 5 से 6% का interest मिलता है, उससे ओवरकम होके आप 10 से 11% 12% 13% तक का भी इंटरेस्ट आपको इसमें मिल सकता है. और इक्विटी बेस्ड में अगर लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो रिस्क पैरामीटर है, रिस्क पैरामीटर काफ़ी कम हो जाता है, तो आप लंबे समय के लिए इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको बाद में मिलता है. नाउ हाउ डज द NPS वर्क्स? NPS कैसे काम करता है? ये वॉलंटरी स्कीम है. आप कोई भी शेड्यूल्ड बैंक्स में जाकर अपना NPS अकाउंट खोल सकते हैं. आप ऑनलाइन भी खोल सकते हैं, NSDCL की जो वेबसाइट है आप वहां से भी खोल सकते हैं, जिसमें आप eNPS से वेरीफाई करके कर सकते हैं. आप वहां, आप कोई भी बैंक में, आप नेट बैंकिंग है तो वहां से भी आप यहां पे खोल सकते हैं. आप कुछ कुछ अमाउंट्स आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. जैसे आप 50,000 तक आप इन्वेस्ट करते हैं इसमें, तो आपको पूरे 50,000 पे, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आप 50,000 करेंगे तो आपको 50,000 पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा. सपोज आप हाईएस्ट ब्रैकेट में आते हैं, दैट इज़ ऑफ 30%, तो आपको करीबन 17,000 के आसपास आपका टैक्स बच जाएगा. तो मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ, अगर आप लंबे समय के लिए मनी पार करना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप 50,000 तो एटलीस्ट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. जो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आप 50,000 एटलीस्ट इसमें आप इन्वेस्ट करें, ताकि आपको टोटल 50,000 पे, आप 80C के अंदर तो आप जो इन्वेस्ट करते हो उसमें आपको 1.5 लाख तक का छूट मिलता है, लेकिन एडिशनल 50,000 पे आपको इसमें, आप 80CCT 1B के अगेंस्ट में आप इसको बुक कर सकते हो, और एडिशनल 50,000 का टैक्स बेनिफिट भी आप इसमें ले सकते हो. सो कमिंग, उसमें अभी हम लोग डिटेल्स में इसमें बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट आपको 60% जितना भी आपका कॉर्पस होगा उसका 60% आप निकाल पाओगे एज ए लमसम, और रेस्ट 40% का एन्युटी, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस हुआ, चाहे SBI हुआ, वो लोग आपका एन्युटी आपको उसको बाई करना पड़ता है, जिसको आपको पेंशन के हिसाब से आपको हर पर मंथ आपको मिलता है. उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि कितना पेंशन आपका बन पाता है, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए. जैसा मैंने सजेस्ट किया, आपको 50,000 मिनिमम डालना चाहिए, ताकि आप, अगर आप मैक्सिमम टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपको 50,000 डालेंगे तो आपको स्ट्रेट 50,000 का टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, मीन्स आप 17,000 का बचत कर पाते हैं. नाउ हाउ डू यू ओपन योर NPS अकाउंट? जैसा मैंने बताया कि आप अपना घर बैठे भी NPS अकाउंट खोल सकते हैं. अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, कोई भी शेड्यूल बैंकिंग की, तो उसमें NPS ऑप्शन आता है, जिसमें आप NPS में आपको जो जो डिटेल बोला जाता है उस डिटेल को भरिए, आप अपना NPS अकाउंट वहां से भी खोल सकते हैं. नहीं तो आपका जो वेबसाइट है NPS की, NSDL, आप eNPS भी सर्च करके करेंगे तो आपका आ जाएगा, जिसमें आप वहां पर एंट्रीज, आपसे बोला जाएगा कि क्या क्या एंट्रीज डालनी है, आप डाल दीजिए. उसमें एंट्रीज डालने के बाद आपका पैन नंबर जनरेट हो जाएगा,
जाएगा। प्राइम नंबर के बाद आपका मेल में आपको ENPS से वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। पहले आपको डिटेल भेजना पड़ता था, अब डिटेल नहीं भेजना पड़ता, आपका ENPS से ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाता है विथ आधार। तो आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका NPS अकाउंट खुल जाएगा। ये बहुत स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है। आप वेबसाइट्स में जाके NPS भी आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, आपको मिल जाएगा वेबसाइट, आप उसमें जाके कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग भी थ्रू भी कर सकते हैं, तो आपको सब सुविधा है। आप रूम पे बैठ के आराम से NPS अकाउंट खोल सकते हैं। अब हम आते हैं कि NPS में कितने टाइप्स के अकाउंट आप खोल सकते हैं। पहले इसमें दो टाइप्स के अकाउंट होते हैं, एक NPS टीयर वन अकाउंट, एक टीयर टू अकाउंट। टीयर वन अकाउंट होता है कंपलसरी अकाउंट, आपको कंपलसरी अकाउंट है और जिसमें आपको कोई भी चीज़ आप इसमें विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इसमें लॉक इन होता है। आपको जब तक आप 60 ईयर्स के नहीं होते आप इसमें से निकाल नहीं पाएंगे। ये कंपलसरी अकाउंट है जिसको आपको खुलवाना पड़ता है। और इसके कंट्रीब्यूशन में जैसे आपका हमें बताया कि आप 80C के अंडर में भी आप अगर आप 50,000 से ज़्यादा करते हैं, आपका मान लेते हैं कोई लाइफ इंश्योरेंस पहले से है, चाहे कोई भी 80C के अंदर में आपका PF अकाउंट होगा। अगर आप कोई भी एम्प्लॉय हैं तो आपका PF अकाउंट ऑलरेडी होगा। अगर आपका 1.5 लाख क्रॉस कर जाता है, चाहे 1.5 लाख ऑलरेडी हो जाता है, तो आप 80CCD के अगेंस्ट में आपको बुक करने की जरूरत नहीं है। आप 80CCD 1B के अगेंस्ट में कीजिए, जो एक वॉलेंट्री है, जिसमें आप एडिशनल 50,000 तक आप बुक कर सकते हैं इसके अगेंस्ट में। और ये एलिजिबल, जैसे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ बेसिक प्लस DA आप इसमें डाल सकते हैं। अप टू 1.5 लाख आप इसमें भी क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपको जो NPS होता है उसमें आपको दोनों सुविधा मिलती है। आप ATC में भी बुक कर सकते हैं। ATC के अगर मैं आपको मतलब 1.5 लाख का टैक्स बुक करना होता है तो आप 80CCD 1 के अगेंस्ट में बुक कीजिए। और सिमिलर टू अगर आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो 80CCD 2 के अगेंस्ट में वो वही 1.5 लाख के सीलिंग में आपका बुक हो सकता है। तो इसमें तो आपका टोटल आपका 1.5 लाख सी तक बच सकता है। लेकिन आप अगर एडिशनल 50,000 का आपका अलग से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 80CCD 1B के अगेंस्ट में आप एडिशनल 50,000 का टैक्स बचा सकते हैं आपका एज ए वॉलंटरी स्कीम। इसलिए हम जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑलवेज ध्यान रखिए कि आपको मिनिमम 50,000 डालेंगे तो आपका 17,000 तक आपका टैक्स बच सकता है इस स्कीम्स को ऑप्ट करने के लिए। प्लस आपका रिटायरमेंट कॉर्पस भी काफ़ी अच्छा होगा, अगर आपका इक्विटी एक्सपोजर है तो काफ़ी अच्छा होगा। सो यू कैन विदड्रॉ 60% ऑफ एकुमुलेटेड मनी, आपको पहले ही बताया मैंने, 60% आप निकाल सकते हैं। रेस्ट 40% का आपको एन्युटी बाई करना पड़ता है जो टैक्सेबल होता है। आपको हर मंथ पे आपको पेंशन की तरह मिलेगा और पेंशन आपका हमेशा टैक्सेबल होगा। टीयर टू अकाउंट, नाउ द टीयर टू अकाउंट। टीयर टू अकाउंट इज वेरी सिमिलर टू द म्यूचुअल फंड, जिसमें म्यूचुअल फंड में एक ऑप्शनल अकाउंट है, आप जब चाहें आप पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको अगर 80C का डिडक्शन इसमें चाहिए तो आपको 3 साल के लिए यहाँ पर पैसा छोड़ना पड़ेगा, तभी आप 80C का डिडक्शन इसमें से क्लेम कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, टीयर टू अकाउंट एक वॉलंटरी अकाउंट है। अगर आपका 80C का डिडक्शन आप नहीं करना चाहते हैं, कभी भी पैसा आप चाहें टीयर अकाउंट टू इस अकाउंट से निकाल सकते हैं, विच एक्ट सिमिलर टू योर म्यूचुअल फंड। कोई भी म्यूचुअल फंड आपका इस तरह से होता है, जैसे ELSS फंड, ये तब तक ELSS फंड की तरह तब तक एक्ट करेगा जब ये इसमें आप लॉक इन के लिए छोड़ेंगे। ELSS फंड की भी आपकी जो लॉक इन पीरियड होती है वो 3 साल होती है। तो टीयर टू अकाउंट इज सिमिलर टू द म्यूचुअल फंड, आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन टीयर वन इज कंपलसरी, वेर यू नीड टू इन्वेस्ट। ठीक है, वॉट आर द इन्वेस्टमेंट चॉइसेस इन NPS। इन्वेस्टमेंट चॉइसेस जैसे मैंने बताया, इसमें इक्विटी ऑप्शंस भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकॉर्पोरेट कर दिया है, जिसमें आपका इक्विटी एक्सपोजर जो है 75% तक आप कर सकते हैं। कॉर्पोरेट डेब्ट्स में आप चाहें तो पूरा कॉर्पोरेट डेब्ट ले सकते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर सकते हैं। एक न्यू एडिशन आया, डेट इज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, विच इज मैक्सिमम 5% तक आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं 5%। लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा होता है, इसलिए उसको इन्वेस्ट नहीं करें तो ज़्यादा बेटर होगा। आप इक्विटी, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप इन तीनों के कॉम्बिनेशन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप जब चाहें किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जब चाहें आपको इक्विटी का परसेंटेज बढ़ाना है तो इक्विटी का परसेंटेज बढ़ा दीजिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का बढ़ाना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का बढ़ाना है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का बढ़ाना है, किसी का भी बढ़ाना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं, बट वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर। दूसरा होता है ऑटो चॉइस। पहला हो गया एक्टिव चॉइस, दूसरा हो गया ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस क्या होता है, एक तरह से एक कंप्यूटिंग की तरह काम करता है अकॉर्डिंग टू योर एज। अगर एज आपका 35 साल है तो आपका, अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर आप जो भी मोड चूज कर रखें, तो आपको 75% इक्विटी में लगा देगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 10%, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 15%। तो एज पर योर एज आपका जो क्या आपका टाइप है, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, मॉडरेट,
उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करेगा और अकॉर्डिंग टू द एज वो डिवीजन जो है वो चेंज होते रहेगा। सो ये ऑटो चॉइसेस है, इसको भी बहुत लोग जिनको मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो वो लोग भी ऑटो चॉइस चूज़ कर सकते हैं। बाई डिफॉल्ट ऑटो चॉइस ही रहता है बाई डिफॉल्ट, अगर कुछ भी चूज़ नहीं करते हैं तो ऑटो चॉइस बाई डिफॉल्ट वो सेलेक्ट हो जाएगा। और इन हियर इटसेल्फ आप 2 बार अपने फाइनेंशियल में पूरे को एक्सपोजर को आप चेंज कर सकते हैं। पेंशन फंड मैनेजर्स, पेंशन फंड मैनेजर्स कौन कौन एनपीएस अभी ऑफर करता है आपको देखिए, एसबीआई है, एलआईसी है, यूटीआई रिटायरमेंट है, एचडीएफसी है, आईसीसीआई कोटक है, बिरला सॉल्यूशन मैनेजमेंट फंड्स है, रिलायंस कैपिटल है, डीएसपी ब्लैक रॉक है। डिफॉल्ट में आपका जो चूज़ होगा वो एसबीआई का होगा, जिसमें आपका डिफॉल्ट पेंशन फंड मैनेजर जो होगा, अगर आप कुछ भी चूज़ नहीं करते हैं तो एसबीआई आपका पेंशन फंड मैनेजर होगा। पेंशन सर्विस प्रोवाइडर, पेंशन सर्विस प्रोवाइडर में आपको जो 40% जो आप एन्यूटी खरीदते हैं वो कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर जो हैं जो आपको एन्यूटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे बाय डिफॉल्ट एलआईसी आपको प्रोवाइड करता है, एसबीआई है, आईसीसीआई है, बजाज अलायंस है, स्टेट यूनियन डाइची है, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ है, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस है। तो ये सब सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको एन्यूटी खरीदने में मदद करते हैं। और क्या क्या डिफरेंट प्लान्स हैं, जैसे पेंशन स्कीम बहुत लोग होते हैं कि जिसको यूनिफॉर्म रेट में चाहिए, जो बाय डिफॉल्ट होता है, जैसे आप यूनिफॉर्म रेट में आप पेंशन लेना चाहते हैं या आपका जैसे टिल योर डिमाइस आप पेंशन आपका यूनिफॉर्म रेट में चलता रहे, आफ्टर दैट द कॉर्पस जो होगा आफ्टर योर डिमाइस कॉर्पस जो होगा जो भी आपका नॉमिनी है या स्पाउज है उस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। पेंशन आप 5 या 10 साल या 20 साल के अंतराल पर लेना चाहते हैं, देर आफ्टर जितना भी अमाउंट है वो अपने स्पाउज को या नॉमिनीज को प्रोवाइड किया दिया जाएगा। तो ये डिफरेंट प्लान्स है जो जो एनिटी लेने वाले हैं उनको चूज़ करने पड़ते हैं। तो आप यूनिफॉर्म रेट भी कर सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट है, जो यूनिफॉर्म रेट में आपको मिलता रहेगा टिल योर डिमाइस। आप जो भी आपको वो करना है, अगर 10 साल 15 साल जो भी है आपका, उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये सब डिफरेंट स्कीम है जो एनिटी सर्विस प्रोवाइडर आपको ऑफर करता है, जिसको आप कोई भी चीज़ को आप ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द मैच्योरिटी एंड विदड्रॉल। जैसा मैंने बताया मैच्योरिटी आपका आफ्टर 60 ईयर्स ही होगा, जिसमें 60 साल पे आप 60% आपको मौका मिलेगा कि आप उसको लमसम की तरह विदड्रॉ कर सकते हैं और 40% एन्यूटी खरीद सकते हैं। इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं, जैसे कि आप अपना जो लमसम विदड्रॉ करने का जो 60 ईयर्स में आप एलिजिबल होते हैं, आप 70 ईयर्स तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप कोई भी जब एन्यूटी 60 साल जब रीच कर जाते हैं तो आपको एन्यूटी खरीदना पड़ता है, तो आप मैक्सिमम डिले कर सकते हैं, 3 साल के बाद हम खरीद सकते हैं, 3 साल तक आप डिले कर सकते हैं। एंड इफ यू वॉन्ट दैट यू कैन कम्प्लीटली विदाउट विदड्रॉइंग यू कैन कम्प्लीटली आप जितना अमाउंट होगा आप फॉर 100% का भी एन्यूटी आप खरीद सकते हैं। अगर आपको विदड्रॉ नहीं करना है तो आप 100% का भी एन्यूटी आप खरीद सकते हैं। ये सब आप प्रोविजंस आपके पास ऑलरेडी इन एडिशन हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल, प्री मैच्योर विड्रॉल में आपका एक होता है नॉर्मल एग्जिट, एक होता है प्री मैच्योर एग्जिट। नॉर्मल एग्जिट क्या होता है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट एनपीएस का अकाउंट जब आप खोले हैं, आपने पहला इन्वेस्टमेंट किया है उसके 3 ईयर के ज्वाइनिंग के तक आपका 3 ईयर के बाद अगर आप कट रहे हैं तो वो होता है नॉर्मल एग्जिट। और इस एग्जिट में क्या होगा कि अगर आपका टोटल अमाउंट अगर 2 लाख से कम है तो आप पूरा का पूरा अमाउंट एक लमसम की तरह निकाल सकते हैं। अगर 2 लाख से ज़्यादा है देन आपको फॉलो करना पड़ेगा वही कन्वेंशनल मेथड कि आप रिटायरमेंट तक के बाद ही निकाल पाएंगे और 40% आपको एन्यूटी खरीदना पड़ेगा। दूसरा है प्री मैच्योर एग्जिट, जिसमें आपका एनपीएस में से जो अमाउंट एक्युमुलेटेड है वो आप 3 साल से पहले निकालना चाहते हैं, तो आपका अगर टोटल अमाउंट अगर 1 लाख से कम है तो आप उसको पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो ओनली 20% निकाल पाएंगे और 80% का आपको एन्यूटी लेना पड़ेगा। सो दीज आर द प्री मैच्योर एग्जिट्स नॉर्म्स। एनपीएस में आपको पार्शल विड्रॉल का भी प्रोविज़न है, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि आपको 3 साल तक रखना पड़ेगा तभी आप पार्शली विड्रॉ कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 25% तक आपका कंट्रीब्यूशन का निकाल सकते हैं और ऐसा आप सिर्फ 3 ही बार कर सकते हैं ड्यूरिंग एंटायर टेन्योर ऑफ एन्योर एनपीएस। और किन किन पर्पस में आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं वो भी आपको मैंडेट में लिखा हुआ है, जैसे हायर एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रेन, मैरिज ऑफ योर चिल्ड्रेन, परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। अगर कोई अलग फ्लैट है तो फिर इसमें अलाउ नहीं करेगा आपको, अगर आपका पहले से घर है, या कोई क्रिटिकल इलनेस हो गया योर फैमिली, यू एंड योर फैमिली को कोई क्रिटिकल इलनेस हो गया, जैसे फैमिली में इंक्लूड होता है आपका स्पाउस, चिल्ड्रेन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, तो क्रिटिकल इलनेस पे भी आपको पार्शियल विड्रॉल आप इसमें से कर सकते हैं। नाउ विल सी द कंट्रीब्यूशन लिमिट।
टीयर वन अकाउंट में मिनिमम कंट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अकाउंट इज 5,500 ओनली, और मिनिमम अमाउंट पर कंट्रीब्यूशन भी आपका 500 है। पहले फाइनेंशियल ईयर में जो कंट्रीब्यूशन आपको मिनिमम करना था वो 6,000 था, अब जाकर 1,000 कर दिया गया है, जिसमें टीयर अकाउंट में आप कर सकते हैं और कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं रखा गया है। टीयर टू अकाउंट में आपको फर्स्ट टाइम आपको 1,000 रुपया का मिनिमम अकाउंट जो आप करोगे उसमें 1,000 रुपया कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और कोई भी मिनिमम अमाउंट फिक्स नहीं है पर कंट्रीब्यूशन, फर्स्ट टाइम ही आपको 1,000 का करना पड़ता है। और इन्हें फाइनेंशियल ईयर भी कोई भी आपका कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शनल अकाउंट है तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। और ऐसा मैंने पहले ही बताया कि कोई भी सब्सक्राइबर का अगर कोई डेथ होता है, चाहे वो बीच में हो गया, पहले हो गया, आफ्टर रिटायरमेंट हो गया, तो जितना अमाउंट उसने नॉमिनी के नाम पे होगा उतना अमाउंट आपका कंट्रीब्यूशन का आपको दे दिया जाएगा नॉमिनी को। इन कंक्लूजन पार्ट, जैसा मैंने बताया कि एनपीएस एक रिटायरमेंट प्लानिंग है जो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको दे देता है, और आप में इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी बहुत सारा है। आप एडिशनल 17,000 तक, 16 to 17,000 तक टैक्स बचा सकते हैं, क्योंकि आप एडिशनल 50,000 तक आप अपना टैक्स पे कोई भी 50,000 अमाउंट पे तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जो आप 80CCT 1B के अगेंस्ट में आप उसको बुक कर सकते हैं। और इसमें आपको 80C के अंडर में जो बेनिफिट्स मिलता है वो इसमें भी मिल सकता है, जिसको अलग अलग सेक्शन 80CCT 1 के अगेंस्ट में और 80CCT 2 के अगेंस्ट में आप बुक कर सकते हैं। आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अगर आपको एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है तो आप उस पर भी टैक्स बेनिफिट इसमें ले सकते हैं। तो एज अ टैक्स सेविंग होल ये कंप्लीट पैकेज है, जिसमें आपको हर तरह के टैक्स बेनिफिट्स इसमें मिल जाते हैं। और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि ये डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है, अगर लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो एक तरह से लॉक इन इसमें सेट किया गया है, जिसमें आप लंबे समय के लिए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो प्री मैच्योर, चाहे मार्केट गिरा है चाहे ऊपर है, वैसे करके तुरंत विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन आप डिसिप्लिन वे में SIP करेंगे आपका मैक्सिमम चांसेस है आप लंबे समय में अच्छा रिटर्न आप जनरेट कर पाते हैं। NPS में आपको ऑप्शन मिलता है इक्विटी डेप्ट दोनों में करने का। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग रिटर्न कैलकुलेशन एक बार करके देखते हैं कि वाकई में कितना रिटर्न हमारे पास जनरेट कर पाता है। हम सिर्फ 50,000 ही इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर, जो हम जिस पे हमको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, और 50,000 पे मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग कितनी हो सकती है वो हम लोग अभी चेक कर लेंगे। आप चाहें तो इस अमाउंट से भी बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन 50,000 हम मिनिमम बता रहे हैं। इस कैलकुलेशन को समझने के लिए मैंने एक लिंक दे रखा है यहाँ पर SDFCpension.com का, जिस पे आपको क्लिक करके आपको पता चल जाएगा कि आप कितना अमाउंट, कितना पेंशन आप जनरेट कर पाते हैं, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको कितना मिल सकता है, एक टेंटेटिव कैलकुलेशन आप इसमें कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे कितना पेंशन आपको जनरेट हो सकता है और कितना का इन्वेस्टमेंट करने से आपका काम हो जाएगा। उसकी लिंक की मदद से मैंने ये वेबसाइट खोला है, जिसमें करंट एज 35 इयर्स है। आप इसको घटा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। जैसे हम मिनिमम एंट्री एज हम मान लेते हैं कि 25 इयर्स होगा और रिटायरमेंट 60 इयर्स का होगा, तो इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना होगा 35 इयर्स का, और मंथली कंट्रीब्यूशन आप कितना कर रहे हैं। जैसे हम आपको बताएं कि 50,000 तक, यहाँ भी लिखा हुआ है टू अवेल मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट कंट्रीब्यूट 50,000, यहाँ भी इन्होंने मेंशन कर दिया है आपको। अगर आपको सिर्फ 50,000 का ही इन्वेस्टमेंट करना है तो 50,000 डिवाइड बाई 12 विच कम्स अराउंड 4,166, तो 4,166 रुपया। तो अगर हम 4,200 को एज अ होल नंबर हम इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ 4,200 का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर हम 4,200 का इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं तो मेरा कितना हो रहा है वो मैं चेक कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न NPS का 8% एज्यूम किया है, जबकि अगर हम इक्विटी में एक्सपोजर अगर 50 से अब रखते हैं तो आपको नियर अबाउट 10% तक का आपको मिल सकता है। यहाँ पर मैक्सिमम 10% ही तक रखा गया है, लेकिन मार्केट रिटर्न के हिसाब से, जैसे बहुत लोग एग्रेसिव जो इन्वेस्टर हैं वो 75% इक्विटी में एक्सपोजर रखते हैं, मॉडरेट वाले आपको 50% पर रखते हैं, और जो कंजर्वेटिव हैं वो आपका 40-30% भी आपका इक्विटी में एक्सपोजर रखते हैं। तो आप एज ए होल अगर हम 10% ही एज्यूम करें, जबकि मार्केट रिटर्न आपका करीबन 12-13% आ जाता है, अगर मार्केट सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपका 12-13% आपका कुमुलेटिव बेसिस में आपको देखने को मिल जाएगा। 12% का आपका एनुअल रिटर्न, कितना रिटर्न हो रहा है और कितना लग रहा है वो आपको देखिए। जैसे समरी ऑफ योर NSP इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय यू, आप रिटायरमेंट तक कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज 17,64,000, और इंटरेस्ट अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट आप जो कर रहे हैं वो है आपका 1,39,77,000, और पेंशन वेल्थ जो जनरेट कर रहे हो आप टोटल कंबाइंड विद दिस वो हो गया 1,57,41,226,
और टैक्स सेविंग जो मैंने आपको बताया कि 17,000 के अराउंड आप टैक्स बचा लेते हो इसमें, तो आपका बच रहा है 5,29,200 का टैक्स भी बच रहा है। अब आते हैं हम लोग पेंशन पे। अब पेंशन पे देखिए कि आप 60% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, आप कम भी चाहे कम भी विड्रॉ कर सकते हैं, आप 60% तक मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप 60% टोटल विड्रॉ करते हैं तो आपको मिल कितना रहा है, 94,44,000। आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 17 लैक्स। तो आपको कंसिडरेबली अमाउंट ऑफ, आपको मार्केट रिटर्न के हिसाब से कंसिडरेबली अमाउंट मिल रहा है, डेट इज़ 94 लैक्स। और आपका 62 लैक्स जो है वो आपका पेंशन में इन्वेस्ट हो गया है। और 62 लैक्स अगर पेंशन में इन्वेस्ट करते हैं 8% के इंटरेस्ट से, तो आपको पेंशन पर मंथ आपको कितना मिलता है, डेट इज़ 41,976, जो अच्छा पेंशन माना जाएगा। और रेस्ट अमाउंट जो है वो आपको, अगर आपकी डिमाइस हो जाती है तो आपको स्पाउस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, या कोई भी जो भी आपका नॉमिनी अगर होगा तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ओनली बाई 4,200 यू आर एबल टू जनरेट अ सो मच ऑफ वेल्थ, जिसमें आपको 5,29,000 की आपको टैक्स भी बचत हो रही है, प्लस आप 17,000 के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप जनरेट जो कर पा रहे हो वेल्थ ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ है, जो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, क्योंकि आपको इन्वेस्ट टैक्स बेनिफिट के साथ आपका रिटर्न भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। सो कलेक्टिवली एनपीएस इज़ वेरी गुड रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट विच यू हैविंग अ बेनिफिट ऑफ टैक्स बेनिफिट, यू कैन ग्रो योर मनी एज पर द मार्केट बेस्ड रिटर्न, एंड यू कैन इन्वेस्ट इन अ डिसिप्लिन वे। सो इट्स कम्प्लीट पैकेज। पर्सनली आई थिंक दैट एवरी इंडियन सिटीजन शुड ऑप्ट फॉर एनपीएस, वेर यू कैन सिक्योर योर रिटायरमेंट लाइफ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Thanks for watching. You can subscribe to my channel Profit Learning for more updates regarding financial markets, and don't forget to press bell icon for latest financial videos. If you like this video, please hit like button and share this video with your friends and family. Do write in a comment section for feedback, clarification or any suggestion. Happy investing.